बड़ी खबर है, टर्की का बॉयकॉट फ्रांस सिर्फ दिखावा है। टर्की की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि खुद टर्की को अपने मुल्क में नाफरमानी हुई। ये चुनौती तुर्की के किसी आम इंसान ने नहीं दी है, बल्कि उनके मुल्क की पहली महिला नागरिक ने दी है। नाम सुनकर कानों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब राष्ट्रपति अर्दोगन की पत्नी की एक तस्वीर दिखाएंगे, तब आंखों को सच मानने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तस्वीर गौर से देख लीजिए। अर्दोगन की पत्नी के हाथ में जो लग्जरी बैग है, वो तुर्की के दुश्मन नंबर वन देश फ्रांस का बना हुआ है, जो एमआईएन अर्दोगन की हाथ का नगीना बना हुआ है। ये मशहूर ब्रांड हर्मेस पेरिस है, जिसकी कीमत 37 लाख है। इस ब्रांड की दुनिया भर की सेलिब्रिटी दीवानी है। और पैगंबर के कार्टून पर फ्रांस में जो कट्टरवाद की आग भड़की, उसकी लपटें भारत तक पहुंची। किसी भी हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली। यूपी पुलिस ने भोपाल के इकबाल मैदान और मुंबई के भिंडी बाजार के प्रदर्शन से सबक लिया। हालांकि दोनों जगहों पर हिंसा तो नहीं भड़की, लेकिन जिस तरह से मोर्चा निकाला गया, उससे हिंसा भड़कने की रत्ती भर की गुंजाइश जरूर थी। इसीलिए यूपी पुलिस ने इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया। यूपी के डीजीपी हेडक्वार्टर से अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें राज्य के सभी जिलों को चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोलिंग बढ़ाने और संवेदनशील जिलों के इलाके में सतर्कता बढ़ाने का आदेश मिला है। विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निगरानी को कहा गया है। उपद्रवियों को सख्ती से निपटने का हुक्म मिल चुका है। फ्रांस की घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में है, ताकि सूबे में कोई भी हिंसा ना हो सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।